प्रणाम नरेश। आओ भक्त आओ, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है और सबसे बड़ी सेवा तो ये कि मेरे ही कारण तुम गंधार त्याग कर हस्तिनापुर में पड़े हुए हो। आपकी सेवा ही मेरा सौभाग्य है नरेश, जहां आप हो वही मेरे लिए गंधार। परंतु अब मैं सोचता हूं कि तुम यहाँ बहुत दिनों रह लिए। जो आज्ञा, मैं कल ही गंधार की ओर प्रस्थान करता हूँ। कल नहीं भक्त, आज अभी। जो आज्ञा। परंतु गंधार की ओर नहीं। जो आज्ञा। लाक्ष ग्रह की राख से निकलने वाले वो सात पंजर किसके थे भक्त? वो पांच पांडु पुत्र महारानी कुंती और पांचों पांडव महारानी कुंती समेत कांपिल्य में है। वो जीवित भी हैं और स्वस्थ भी। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था भक्त। पता है राजनीति में यदि एक भी झूठ पकड़ा जाए तो बना बनाया सारा खेल बिगड़ जाता है। तुम्हें क्या दंड मिलना चाहिए भक्त? इस अपराध का एक ही दंड है नरेश, वो है मृत्यु दंड। बिल्कुल, मेरे भी ध्यान में यही दंड था। दासी, जाओ भक्त। यदि तुम मुझे बहुत प्रिय ना होते तो तुम्हारे लिए मैं इतनी सहज मृत्यु ना सोचता। ये सहज मृत्यु तुम्हारी निष्ठा के लिए मेरी ओर से उपहार है भक्त। और हां, यदि यमलोक में तुम्हारी भेंट मेरे पिताश्री से हो जाए तो उन्हें यह कहना ना भूलना कि गांधारी पर हो जाने वाले अन्याय के लिए शकुनी ने हस्तिनापुर को क्षमा नहीं किया। यमलोक की ओर प्रस्थान करो भक्त। जो आज्ञा नरेश। बैठने की आज्ञा है नरेश। अवश्य बैठो, ये तो तुम्हारा अधिकार है और तुम्हारे किसी भी अधिकार से वंचित करके तुम्हें मैं तुम्हारा ऋणी नहीं होना चाहता। अधिकार तो केवल युधिष्ठिर को नहीं मिलेगा।